वाह इंडिया वालों आज तो कमाल कर दिया, 235 पे मात्र न्यूजीलैंड को लूल कर दिया। वाह वाह क्या गेंदबाजी, जड्डू मियां 5 विकेट, सुंदर मियां 4 विकेट, वाह वाह मजा आ गया। क्यों शकी भैया अब तो इंडिया जीतेगा, क्या बोलता रे? मैं क्या बोलता, मैं वही बोलता इंडिया तेरा फिर हारेगा, तेरे इंडिया से 150 भी नहीं बनेगा, उससे भी नीचे लुल होगा। 86 पे 4 लुल हो गया, 78 पे 1 था, उस राज नेट वॉच बैंड बन गया, अगलों ने पहली गेंद पे लुड़का डाला, कोहली तेरा रन आउट हो गया 4 रन पे। अरे कोहली भैया ये क्या करवा दिया, 78 पे 1 आउट था, मैंने बोला आज शकीब का मुंह बंद करेंगे, लेकिन 4 आउट हमारे भी हो गए, वो सराज को भेजा कि नेट वॉच बैंड बन के संभाल ले, वो लुल हो गया, तेरे को भेजा तू रन आउट हो गए, लुल हो गया। अब भैया शकीब ही देख भैया कैसे बोलता। अरे रोहित भैया मैं क्या करता, तूने कौन सा 3 मारा, 18 गेंदों पे 18 रन पे ओडीआई खेल रहा था, आराम से खेलता, अब शकीब तो मजा लेगा, हमारी किस्मत ही खराब है, लगता है तीसरा मैच भी हारेंगे। शकीब भैया तू दिल खुश कर ले, मार मोच ले मजे। रोहित भैया तू टेंशन नहीं ले, 5 विकेट मैंने चटकाई ना इनको, मैंने लुल किया बल्लेबाजी में, अब गेंदबाजों को मैं ही कूटूंगा, डबल शतक लगाऊंगा, लीड लेंगे, एक पारी से जीतेंगे, टेंशन नहीं ले, दूसरी पारी में 10 की 10 विकेट मैं इनकी लूंगा, सुंदर को लेने ही नहीं दूंगा। जड्डू भैया एक काम करना, या गेंदबाजी करना या बल्लेबाजी, कुछ मेरे लिए भी छोड़ना, ताकि इनको फेंटा लगे, मेरा भी करदार बीच में हो, चलो शतक मैं भी लगा लूंगा, और गेंदबाजी में भी 1-2 विकेट मेरे को लेने देना, पहली पारी में तो मैंने 4 ले, यार ऐसे नहीं करना। अरे बस कर सुंदर के बच्चे, अरे इंडिया वालों क्या कर रहे हो, मैंने तो बोला था उनको भैया इनको अंतिम मैच जीतने दे, वो मिचेल सेंटर्स को मैंने खेलने नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुम ऐसे लुल हो रहे हो, यार शर्म करो, कोहली भैया तेरे से भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन नहीं जीत पाओगे लगता है तुम। अरे केन के बच्चे शर्म कर, भूतनी की तेरे को बोला था इंडिया पे हाथ हल्का रखना, तो मिचेल सेंटर्स का बहाना नहीं ठोक, उसको निकाल के उसकी जगह बढ़िया ऑफिशियल गेंदबाज सोडी को ले आया, बड़े हरामी हो यार, बोला था हाथ हल्का रखो, लेकिन ऑफिशियल गेंदबाज ले आया यार। अरे बाबर बुरादर काय को टेंशन लेता, ये नहीं जीत पाएगा, इस सेडी को हम लाता, वो कौन सा गेंदबाजी करता, आज पूरा दिन गेंदबाजी नहीं करवाया, लेकिन कल हम उससे 5-10 ओवर केवल करवाएगा, तो देखना तमाशा फिर होता क्या इंडिया का। हाँ बाबर भैया कल जब इस सोडी आएगा ना, गेंद पुरानी हो चुकी, फिर देखना तो इंडिया का तमाशा, 100 रन भी नहीं बना पाएंगे, न्यूजीलैंड वालों यार 300-400 रन बना लेते, ताकि फुल बॉम खिलाते, दूसरी पारी में बिलुल करते, एक पारी 200 रनों से जीतते, यार ये क्या कर रहे हो आराम आराम से। शकी बुरा दर मेरा तो अरादा था, जैसे मैं खेल रहा था दौड़ा, तेरा शतक लगाने का अरादा था, 500-600 रन बना के डिक्लेयर करना था, लेकिन तुम बोला कि केन बोलता है कि केवल जीतो, गंदा करके नहीं जीतना इंडिया को, इसलिए भैया आराम से जीतेंगे, इसलिए फिर आउट हो गए। अरे न्यूजीलैंड वालों बस करो, भूतनी वालों अभी मैं नाबाद खड़ा हूँ, कल टिकूंगा ऐसा टिकूंगा, टका टका के मारूंगा, तुम्हारे सोडी का भी तेल निकालूंगा, सबका तेल निकालूंगा, गेंदबाजों का 400 बनाएंगे, जीत के दिखाएंगे हम, वो भी एक पारी से देखना। अरे गिल का बच्चा बस करता रहने देता, तेरे से 1 रन निकल बनेगा तो लुल हो जाएगा, ज्यादा दिमाग हमारा नहीं खराब करता, इस पारी में तो हमने शतक नहीं किया, तुम्हारा इज्जत रखा, दूसरी पारी में शुरू हो गया ना, इसे कूटेगा 600 का लक्ष्य देके, फिर तुमको 100 पे लुल करेगा, फिर क्या इज्जत बचता तुम्हारा। अरे मिचेल बुरा दराज तो शतक पूरा कर लेते, खामखा इनकी इज्जत रख रहे हो, शतक गवा दिया, कुर्बानी दे दी, ये नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे बात है मैच तो तुम जीतोगे, वो भी तीसरे दिन, 2.5 दिन में खत्म कर देना, थोड़ा मंड के रखो यार, ताकि मजा तो आवे। अरे शकी बुरादर कितना मजा लेता, इतना मजा तो ले चुका है, तीसरा मैच जीतेंगे हम, और मजा लेगा, और कितना लेगा, उधर इंडिया का हालत पतला, वो गिड़गड़ाता कि भैया थोड़ा रहम करता, बाबर भी बोलता कि हाथ हल्का रखो, तू बोलता मंड के रख, यार कुछ ख्याल करता इनका भी। अरे केन बस करता भी, हमारे 6 बल्लेबाज बाकी होते, ये मैच हम जीत के दिखाएंगे, हमारे गेंदबाजों ने ही आपका घटिया हाल किया ना, 235 पे लुल किया, तुम जानबूझ के थोड़ी हुए हो, फोगड़ के बहाने नहीं बना, और वो बल्लेबाजी भी बढ़िया करेंगे देखना। अरे बस कर रोहित भैया, आपकी टीम नहीं जीत पाएगी, ये न्यूजीलैंड ही जीतेगा और जीत के क्लीन स्वीप करेगा, क्योंकि दूसरी पारी में आपके बल्लेबाज इस सोडी के सामने नहीं टिकेंगे, कल भी नहीं टिकेंगे, दूसरी पारी में भी नहीं टिकेंगे, समझो। और यार आज हमारी टीम ने सुपर सिक्स हांगकांग में आपकी टीम को पेल डाला, पता है ना रोहित भैया, तो उधर कौन आएगा भैया, तुम दोनों आ जाओ, नहीं तो आपस में लड़ोगे, तू जा, इसलिए दोनों आ जाओ, तो उधर मजे लेते हैं आपके। अरे छोड़ बाबर भैया, इधर कम बेस्ती हुई, आज साला बल्ला नहीं चल रहा, गेंदबाजों ने नहीं आउट किया, हम रन आउट हो गए, लुल हो गए 4 रन पे, छोड़ यार उधर, फिर तू भी हमारी बेइज्जती करेगा ना, इसलिए भैया छोड़ उस वीडियो को, नहीं बनाते यार सुपर सिक्स को दफा कर। अरे कोहली भैया ऐसे कैसे दफा करे, सुबह से लेकर उस वीडियो की डिमांड है कि भैया वीडियो बना के डालो, तो बाबर की शामत आ जाएगी, बाबर भैया मैं भी आ जाऊं और मजे लाऊंगा, और इनको भी पकड़ के लाता हूं।
आजा आजा शकीब ससुर के नाते तू भी आजा, तेरा पेट नहीं भरेगा मजे ले लेके। अबे भूतनी के कितने मजे लेगा, कुछ खा पी भी लिया कर, केवल मजे लेके पेट भरता रहता है। इनको भी लेके आ, इज्जत से आते हैं ठीक है, नहीं तो भैया जबरदस्ती पकड़ के ले आ।